पटाख 30 सेकंड में हर खबर, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। देश में ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना की तीसरी लहर जारी है, लेकिन पहली दो लहरों में मिले सबक से भारतीय उद्योग जगत महामारी की रोकथाम के लिए लगे प्रतिबंधों के बीच भी कामकाज जारी रखना सीख गया है। ऐसे में सरकार और आरबीआई के कदमों के साथ साथ बजट में मिलने वाली रियायतों की संभावना से उद्योग जगत कारोबारी भविष्य के लिए एकदम भरोसेमंद है। डिलॉट के एक सर्वे के मुताबिक 75% से ज्यादा बिजनेस लीडर्स को देश के ग्रोथ और आर्थिक विस्तार पर भरोसा है। पिछले साल 68% बिजनेस लीडर्स को ही देश के कारोबारी भविष्य को लेकर यह भरोसा था। इस सर्वे में शामिल करीब 91% बिजनेस लीडर्स का मानना है कि आत्मनिर्भर भारत और आरबीआई की पॉलिसी की बदौलत अर्थव्यवस्था दोबारा पटरी पर लौट रही है। बिजनेस लीडर्स को ये भरोसा है कि बजट 2022 में लिए जाने वाले फैसलों से ग्रोथ में और तेजी आएगी। 2021 में केवल 58% बिजनेस लीडर्स को अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने की उम्मीद थी। डिलॉट के मुताबिक 2021-22 के दौरान अर्थव्यवस्था की ग्रोथ मजबूत रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ और पीएलआई स्कीम्स की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ आगे भी बनी रहने की भरपूर उम्मीद है। अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ने के लिए वैसे तो हर बार बजट पर सबकी नजर रहती है, लेकिन इस बार का बजट कोरोना की तीसरी लहर के साए में पेश किए जाने से ज्यादा खास हो गया है। राहतों का पिटारा सरकार की तरफ से खुलने की पूरी उम्मीद उद्योग जगत लगाए बैठा है और सरकार से अलग अलग मांग भी कर रहा है। बजट के कारोबारियों की उम्मीदों पर डिलॉइट के सर्वे में कहा गया है 55% बिजनेस लीडर्स इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के लिए लॉन्ग टर्म निवेशकों को टैक्स में छूट देने की मांग कर रहे हैं। 45% बिजनेस लीडर्स का मानना है कि बजट में R&D पर खर्च बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे ऑटोमोबाइल्स, कैपिटल गुड्स, लाइफ साइंस, टेक्नोलॉजी और टेली कम्युनिकेशंस जैसे सेक्टर को फायदा मिले। अगले साल से ग्रुप टैक्सेशन लागू करने की डिमांड भी कारोबारी कर रहे हैं। सर्वे में शामिल 50% से ज्यादा बिजनेस लीडर्स का मानना है कि इनडायरेक्ट टैक्स कम होने से बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। 48% बिजनेस लीडर्स की डिमांड है कि टैक्स घटाना चाहिए, जिससे लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आए और डिमांड बढ़े। यानी अगर सरकार बजट में उद्योग जगत के इन डिमांड्स पर गंभीरता से विचार करेगी तो फिर कारोबारी भरोसा बढ़ाने वालों की तादाद भी अगले सर्वे में तेजी से बढ़ सकती है।